साथियों, मैं बहुत शुरुआत काल से इस यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूं और इसलिए मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज पीडीपीयू देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी एक जगह बना रहा है, अपनी एक पहचान दर्ज करा रहा है। मैं आज यहां चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं, और कभी मुझे जब गुजरात में गेस्ट शब्द आता है तो थोड़ा अटपटा लगता है, और इसलिए मैं चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं बल्कि आपके इस महान संकल्प का जो परिवार है उस परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपके बीच आया हूं। और मुझे ये देखकर बहुत गर्व होता है कि यूनिवर्सिटी अपने समय से बहुत आगे चल रही है। एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन यहां के स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने, यहां से निकले प्रोफेशनल्स ने अपने कर्तृत्व से इन सारे सवालों के जवाब दे दिए। बीते डेढ़ दशक में पीडीपीयू ने पेट्रोलियम सेक्टर के साथ साथ पूरे एनर्जी स्पेक्ट्रम और अन्य क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है, और पीडीपीयू की प्रगति देखते हुए आज मैं गुजरात सरकार को भी अनुरोध करता हूं कि जब मैं इस काम पर शुरू में सोच रहा था तब मेरे मन में था कि एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, क्योंकि गुजरात पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन अब जिस प्रकार से देश और दुनिया की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी ने अपना रूप लिया है, मैं गुजरात सरकार से आग्रह करूंगा कि कानून में अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन करके इसको सिर्फ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बजाय, अच्छा होगा, अब इसको हम एक एनर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करें उसका नाम, क्योंकि उसका रूप दायरा बहुत विस्तार होने वाला है। और आप लोगों ने इतने कम समय में जो कमाया है, जो देश को दिया है, शायद एनर्जी यूनिवर्सिटी इसका विस्तार बहुत बड़ा लाभकर्ता देश को होगा। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कल्पना मेरी ही थी, और आज मेरी ही कल्पना का विस्तार करते हुए मैं पेट्रोलियम की जगह पर पूरा एनर्जी सेक्टर को इसके साथ जोड़ने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। आप लोग विचार कीजिए, अगर ठीक लगता है मेरा सुझाव तो उस पर देखिए। यहां स्थापित होने जा रहे 45 मेगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी, देश के लिए पीडीपीयू के लार्जर विजन को भी ये प्रकट करता है। साथियों, आज आप ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकल करके इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जब पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, एंटरप्राइज स्पिरिट की, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। यानी आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुंचे हैं। इस दशक में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है।
इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अवसर ही अवसर ही अवसर है।